हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। समर के लिए हमने अपने रूम्स रेडी कर लिए, अपना घर रेडी कर लिया है। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और हमारे घर में थोड़ी शांति, थोड़ा पीसफुल लग रहा है या नहीं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम न्यू घर में हैं और हमारे पास इतना सारा सामान भी नहीं है, कम ही सामान है, और मेरा कोई मूड भी नहीं है कोई नया सामान लेने का। जो भी सामान होगा, क्योंकि घर को सजाने में बहुत टाइम लगता है और सामान भी बहुत सोच समझ के लिया जाता है। कुछ भी अगर आप अपने घर को सजाना चाह रहे हैं, डेकोरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा। फिलहाल जितना चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हमारे पास, उनसे ही मैंने ये अपना रूम रेडी किया है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। आज लिविंग रूम एरिया क्लीन किया जा रहा है। यहाँ पर लगे हुए थे पहले डार्क कलर के सोफ़ा कवर्स, और टाइल्स भी यहाँ पे डार्क ही हैं, तो वो सोफ़ा कवर यहाँ पे कुछ सूट नहीं कर रहे थे और वो दिखाई भी नहीं देते थे, रूम थोड़ा डार्क डार्क हो जाता था। तो यहाँ पे डाल दिए हैं ऑफ वाइट कलर के सोफ़ा कवर्स और रूम में थोड़ी ब्राइटनेस आ गई है। और रूम को थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए कुशन कवर हैं कलरफुल, और ये सारे कलर्स ऑफ वाइट पे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि ऑफ वाइट या वाइट पे तो सारे ही कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने सोफ़ा कवर झाड़ के उस पर फिर से कुशन सेट कर दिए हैं। यहाँ रखी हुई है अनीक की टॉय किचन, और ये कम से कम 15 दिन से रखी हुई है, वो उसे हटाने ही नहीं देता है, तो आज इसे भी हटा के रख देती हूँ। ना ही इस चेयर पे किसी को बैठने देता है, तो कोई सूटेबल सी जगह देख के उसके टॉय किचन वहाँ सेट कर दूँगी। हमारे पास कोई वॉल हैंगिंग नहीं है या कोई पेंटिंग नहीं है, और इतने बड़े घर में तो कुछ ना कुछ तो वॉल पे लगाने के लिए चाहिए ही। यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं क्योंकि सीलन काफ़ी है, और ये लो लाइन एरिया है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सीलन आ जाती है। और बरसात भी अभी चल ही रही है, बरसात मतलब मौसम तो बरसात का नहीं है लेकिन बारिश हो रही है, तो यहाँ सीलन भी आ गई है। सोफ़ा तो हमने कर लिया है, इसकी डस्टिंग क्लीनिंग हो गई सब। टेबल को भी कर देंगे साफ, और फिर करेंगे दीवान की बेडशीट चेंज। दीवान पे लाइट कलर की बेडशीट डाली हुई थी हमने, और अभी भी मैं लाइट कलर की बेडशीट डालूंगी, क्योंकि लाइट कलर की बेडशीट पे सब पता चलता है कि कहाँ क्या है, कौन सी चीज़ इस पे पड़ी हुई है, गंदा है या कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, चींटी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और वैसे भी डार्क कलर की चादरों में पता नहीं चलता है, उन पे मच्छर वगैरह भी ज़्यादा आते हैं और रूम भी डार्क डार्क सा हो जाता है, तो मुझे लाइट कलर की चादरें ही पसंद हैं। तो हमारे पास एक बड़े बड़े से फ्लावर्स वाली ये बेडशीट है, ये है डबल बेड की बेडशीट, तो मैं इसको फोल्ड करके इस पर थोड़ा सा इसको हैंग करके बिछा दिया है, और इसके ऊपर हमारे पास हैं कुशंस
वो रख देंगे, मसनद वगैरह या कुशन वगैरह अगर हैं आपके पास तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं दीवान पे। जो जो कलर इस बेडशीट में दिख रहे हैं वो उसी उसी कलर के मैंने यहाँ पे कुशन रख दिए हैं और वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं। अनी अपनी बाइसिकल यहाँ स्टैंड में पार्क करके गए थे तो इसे भी हटा देते हैं। स्कूल से आने पर हो सकता है मुझे डांट भी पड़े उसकी कि आपने मेरी चीज़ें यहाँ से हटा दी। थोड़ी सी कर देते हैं यहाँ की डस्टिंग और बस हो जाएगा अपना रूम रेडी। अगर आपके पास सामान कम है तो उसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये है कि साफ़ सफ़ाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और घर भी खुला खुला काफ़ी स्पेशियस लगता है और बच्चों के खेलने के लिए भी जगह काफ़ी रहती है। क्या सोचना है इस बारे में कमेंट करके बताना। हनी का ये स्टैक यहाँ पे रखा हुआ है और ये रूम को काफ़ी सूट कर रहा है, जिस जिस कलर के हमारे कुशन और बेडशीट है, तो इसे मैं यहाँ से हटाऊंगी नहीं, क्लीन करके यहीं पे रख दूंगी। बस हो गया है रूम रेडी, दिखाते हैं आपको अब। मैं किचन में बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड पाउडर से एक यमी यमी डिश। इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है, 3 स्पून लिए हैं कस्टर्ड और इसको ठंडे दूध में मिक्स कर लिया है। दूध जब बॉईल हो जाए तो उसमें मिक्स कर दिया उसको और इसको ज़्यादा थिक नहीं करूँगी, बस इसको चलाते हुए पका लेना है कि इसमें कोई लम्स ना बने। अगर चलाएंगे नहीं तो कस्टर्ड नीचे बैठ जाएगा और इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। हाँ, जब ये थोड़ा पक जाए तो इसमें डाल दी है चीनी, 3 स्पून चीनी डाली है मैंने इसमें और इससे मिला के इसको पका लेंगे, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने पे ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। यहाँ लिए मैंने फ्रेश मलाई और इसमें मिक्स करूंगी मैं शक्कर, चीनी नहीं डालूंगी, अगर आपको चीनी डालना हो तो चीनी डाल सकते हैं। 1 स्पून मैंने इस फ्रेश मलाई में शक्कर मिक्स कर दी है और ले लिए हैं 3 ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड के साइड्स कट करके निकाल दिए हैं और इसको ट्रायंगल शेप में काट लिया है, बीच में लगा दी है मलाई, तो ये तीनों पे मैंने मलाई लगा दी है और इसके ऊपर से डाल देंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड को मैंने ठंडा करके डाला है और बस यमी यमी सी स्वीट डिश तैयार हो गई है। हम लोगों को तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगी, आप भी बनाना अगर आपको ये डिश अच्छी लगी हो तो। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।